जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक मेरा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे हम लोग बात करेंगे। और ये जब इस पे अल्ट्रा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड द यूजेस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन पे यूज करते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो सम पैरामीटर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, टेम्परेचर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मटेरियल। हम लोग जानते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डिपेंड ऑन द सी इज इक्वल टू आर टी। सो दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्रोपोगेट करने में हमारा जब साउंड है तो वहां पे वाइब्रेशन हमारा ज्यादा होगा तो साउंड भी हमारी बहुत तेजी से ट्रेवल करेगी। और जब साउंड हमारी ट्रेवल करेगी सो दैट्स व्हाई द हमारी वहां पे फ्रीक्वेंसीज वहां पे क्या करेगी, बढ़ जाएगी और चेंज होगी वहां पे। सो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन वहां पे ज्यादा होगा। सो टेम्परेचर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। सो ये ज्यादा भी हो सकता कम हो सकता डिपेंडिंग अपॉन द हमें वहां पे फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेशन और रेजोल्यूशन कैसा लेना है। तो टेम्परेचर वेरिएशन विल आल्सो रिजल्ट इन डायमेंशनल चेंज टू द पार्ट। कभी कभी क्या होता है वहां से डायमेंशनल चेंज हो जाता है पार्ट का विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो टेम्परेचर वेरिएशन कैन कॉज बीम एंगल चेंजेस। कभी कभी एंगल भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। एंड डिले ऑन द टाइम बेस व्हाइल यूजिंग प्लेक्सी ग्लास एज अ वेज एंड एंगल बीम इंस्पेक्शन। सो टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और वेलोसिटी ऑफ द साउंड को जब अफेक्ट कर देता है, और वेलोसिटी ऑफ द साउंड को कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ड्यू टू द टेम्परेचर आपका हाई है तो वहां पे वाइब्रेशन आपका मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा। जब वाइब्रेशन आपका ज्यादा तो दैट इज वाई द वेव्स प्रोपोगेशन अलोंग से आपकी ज्यादा हो जाएंगी। सेकेंड वन इज द एटोनेशन। जो एटोनेशन आपको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, दिस इज द डिफाइंड द डिके रेट ऑफ प्रोपोगेटेड साउंड वेव। कितना डिके रेट है आपका साउंड वेव। तो एटोनेशन आपका ज्यादा हो गया तो आपकी क्या होगा, एक लेवल के बाद आपको एटोनेशन ज्यादा है तो आपकी जो इमेजेस फाउंड होंगी, जो इकोस फाउंड होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी वहां लॉस हो जाएगी। सो आपको एक ऐसे मटेरियल को चूज करना है या ऐसे मटेरियल को देखना है जहां पे एटोनेशन क्या हो, कम हो, डिके रेट ऑफ द प्रोपोगेशन साउंड वेव, प्रोपोगेट जो साउंड रे हो वो कम हो। क्योंकि जितना साउंड वेव हमारी ट्रेवल करेगी उतने ज्यादा इंस्पेक्ट अच्छे क्वालिटी का हमें देगी। सो दैट्स व्हाई वी यूज द जस्ट लाइक एग्जांपल हार्डेंड स्टील। Hardened steel has less attenuation and in comparison to microporosity material have the apparent attenuation वहाँ पे होता है। So material that exhibit high attenuation may require examination using lower test frequency due to the probable large grain size. Second one is the grain size and the frequency. ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ग्रेन साइज आपका क्या होता है, स्मॉल होता है तो वहां पे स्कैटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे आपके मटेरियल के ग्रेन साइज बढ़ने लगता है बीम्स के कारण वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और बहुत सी बीम को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका क्रैक्स या फ्लो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इस फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए आपका जो ग्रेन साइज होना चाहिए बहुत स्मॉल होना चाहिए। जो मटेरियल्स के ग्रेन साइज हैं, कोर ग्रेन साइज या फाइन ग्रेन साइज आप यूज करेंगे, जिसके कारण आपका जो साउंड वेव्स है वो ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे, एटोनेट ना हो, स्केटर्ड ना हो, उसमें कहीं स्प्रेडिंग ना हो, तो सारी हमारी बीम्स स्प्रेड हो जाए एक तरह से और उसकी इकोस हमारे पास रिसीव्ड हो जाए। सो दैट्स व्हाई स्मॉल ग्रेन साइज आ रहे हो। तो ग्रेन साइज इज अ इंपॉर्टेंट पर। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आदर यूज द डिपेंड ऑन द टू और थ्री पैरामीटर। जस्ट लाइक इफ यू सपोज द पेनिट्रेशन आपको हाई रखना है, मान लीजिए, सो पेनिट्रेशन जब आप हाई रखते हैं सो आपको वहां फ्रीक्वेंसी कम रखनी पड़ेगी और आपको वेवलेंथ वहां पे ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पेनिट्रेशन हाई रखना तो वहां पे आपका क्या होगा, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। अब रेजोल्यूशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब आप छोटे डिफेक्ट अपने मटेरियल में नहीं देख सकते फ्लोज। तो आपको आपको रेजोल्यूशन अच्छा रखना है तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, हाई रखनी पड़ेगी। और जब फ्रीक्वेंसी आप हाई रखेंगे तो पेनिट्रेशन कम होगा और आपकी वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्ट होगी। सो दैट्स व्हाई, लेकिन रेजोल्यूशन हमें ज्यादा, तो इट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल। सेकंड पॉइंट में सर्फेस कंडीशन। सर्फेस कंडीशन पर डिपेंड करता है। सर्फेस कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इरेगुलर शेप्स हैं तो वहां पे ट्रांसड्यूसर को मूव कराने में हमें दिक्कत होगी। सो सरफेस क्वालिटी भी जो होनी चाहिए, वो अपीयरेंस हमें जहां पे टेस्टिंग कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, जो हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है इकोस का वो प्रॉपर वे में हमारे पास आए। तो सरफेस कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट। तो डिसकंटिन्यूटी को जज करने में
हमें एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को परफॉर्म इफेक्ट करता है, एंड द डायमीटर चेंज. आप स्पेसिमेन के डायमीटर को देख के आपको ट्रांसड्यूसर का डायमीटर चेंज करना होता है. आप मान लीजिए स्पेसिमेन कम साइज का है तो ट्रांसड्यूसर की प्रोब भी आपकी कम डायमीटर, जो मैंने दिखाया. तो चेंज इन अ डायमीटर ऑफ द वर्क पीस कैन रिजल्ट इन चेंज इन अ सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी में चेंज करता है. इफेक्टिव ट्रांसड्यूसर साइज आपको यूज करना पड़ेगा टू एसेस द कॉन्टेक्ट एरिया. कॉन्टेक्ट एरिया को, थिकनेस को हम एसेस कर पाए. एंड द लास्ट वन इज अ कॉन्टेक्ट प्रेशर एंड कपलेंट. आप कपलेंट यूज करते हैं. सो कपलेंट को हम क्यों यूज करते हैं? एयर गैप को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब यानी एटोनेशन को कम करने के लिए. सो आप कपलेंट जो यूज करें वो उसकी एक प्रॉपर लेयर में यूज करेंगे. और कितने आपको कितना यूज करना है, सो इट इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. कौन किस तरह का कपलेंट यूज करना है. मान लीजिए कि कपलेंट आपने बहुत ज्यादा यूज कर दिया तो वो भी एक आपके लिए ड्रॉबैक है कि उसमें आपका प्रोपोगेट नहीं, साउंड वेव कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेगी. और प्रेशर, आप एक्सेसिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर पे लगा देंगे तो कपलेंट क्या करेगा, वहां चिपक जाएगा. और कपलेंट और ज्यादा वहां पे जैसे चिपक तो वो भी एक इफेक्ट करेगा आउटपुट रिजल्ट को. और थोड़ा सर्फेस के ऊपर और बात कर लेते हैं. कभी कभी सर्फेस के ऊपर पेंट लगाए, मान लीजिए तो सरफेस के ऊपर पेंट लगा है तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूटी को आपको जज करने में थोड़ा सा दिक्कत करे. डिफरेंस इन अ सरफेस फिनिश कैन बी अफेक्ट द रिजल्ट हैव लार्ज. जैसे सरफेस की इलगर्टीज नहीं होनी चाहिए तो उस तरह पेंट और ये सब हो तो उसको साफ कर लेना चाहिए टेस्ट से पहले, नहीं तो आपका रिजल्ट में दिक्कत आएगी, आउटपुट आपको सही नहीं दिखेगा. लास्ट वन इज द एडवांटेज एंड ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज जैसे स्मॉल डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में. ईजी है, पोर्टेबल है, आप कहीं पर भी उठा के कहीं पर भी रख के बहुत ईजिली वे से कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द कोई सेफ्टी हैजर्ड्स नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं. इंस्पेक्शन कैन बी डन वन सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी वन सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं. हाई सेंसिटिविटी ऑब्जर्व होती है, ग्रेटर एक्यूरेसी है यहाँ पे क्योंकि द मशीन इज इंडिकेट ऑल द डाटा एंड द रिजल्ट. एंड इन कंपेरिजन टू अदर मेथड, विजुअल टेस्टिंग और लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग एज अ डिस्कस इन दिस प्रीवियस टॉपिक्स. थिकनेस अप टू अ 10 मीटर कैन बी टेस्टेड, कैन बी डन. थिकनेस 10 मीटर की थिकनेस पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हो. तो कोई बर्निंग का इसमें वो नहीं है कि बहुत कम डैप है ये बर्निंग हो जाएगी. सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसड्यूसर टिप आप बहुत कम थिकनेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. हाई स्पीड स्कैनिंग कैन बी पॉसिबल, हाई टेम्परेचर टेस्टिंग इज पॉसिबल. लिमिटेशन ये है कि सरफेस मस्ट बी एसेबल, जो हमने ये डिफेक्ट कहा था. सरफेस आपका क्लीन होना चाहिए, सरफेस आपकी मतलब इसमें इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए. रफ एंड अनइवन स्कैनिंग कैन नॉट डन, भाई बहुत इरेगुलर सरफेस है वहां पे स्कैनिंग आप नहीं कर सकते हैं. कपलिंग मीडियम इज नेसेसरी, कपलिंग मीडियम नेसेसरी होता है. एंड दिस मेथड रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड लेबर, जो आपको जज कर पाए, बहुत तरह से आपका कैलिब्रेशन कर पाए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अल्ट्रासोनिक में कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन करते हैं, इसके लिए आपको पहले से ही कुछ टेस्ट पीस तैयार रखने पड़ते हैं. वो आपको लेंथ बेस पे और डायमीटर बेस पे हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं. और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इंडस्ट्री पॉइंट वे से, क्योंकि कैलिब्रेशन को आना चाहिए कि आपका वो पहले प्री डिटरमाइंड शेप पे. हम लोग सिलेंड्रिकली शेप पे क्या करते हैं कि एक पार्ट काट लेते हैं और उस पार्ट पे हम लोग स्पेसिमेन को चर्च करते हैं. तो क्या करते हैं, इंटेंसिटी चेंज करते हैं लेकिन पार्ट की डायर नहीं चेंज करेंगे जहां पे कट किया है, और पहले ही वो क्रैक बना लेते हैं. इससे हम इस कैलिब्रेट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की कि हमारी रीडिंग सही दे रही नहीं. कैलिब्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. एंड एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, टेस्टिंग वेल्ड प्रेशर वेसल्स में, पाइप में, स्ट्रक्चर्स में, ब्रिज में, टेस्टिंग फेरस एंड नॉन फेरस पाइप रॉड्स में जितने होते हैं, डिटेक्टिंग कोरोजन इन वेरियस पेट्रोलियम एंड गैस सप्लाई लाइन्स, फोर्जिंग रेल्स, रोल्ड स्टील सेक्शंस, एंड चेकिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ एयरक्राफ्ट. सो डिफरेंट इक्विपमेंट वेल्ड में, कास्टिंग में एंड अदर इक्विपमेंट्स में, जहां जहां हमें डिफेक्ट को क्रेक करना अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं. सो एज पर माई साइड द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज फिनिश. आप लोग इसको पार्ट वन से लेके पार्ट 12 तक लगातार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर लेक्चर कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड है. मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए बनाते हैं कि आपको एक ही टॉपिक एक समय में क्लियर हो जाए. और वो चीजें हैं, हाँ मैंने कैलिब्रेशन पार्ट यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस किया. कैलिब्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको लेंथ और डायमीटर, में बार बार कह रहा हूँ लेंथ. उसमें क्या होता है, लेंथ में आप क्रैक की लेंथ को फिक्स रखते हैं
और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड भी, मतलब वर्क पीस की लेंथ को चेंज कर देते हैं। एक बार इतना बड़ा सिलेंडर लिया है तो एक बार लेंथ और इतना बड़ा ले लेंगे, एक और लेंथ ले। और लेकिन क्रैक का जो डाया आप बनाएंगे पहले से, कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, जो रीडिंग दे रहा है वो सही दे रहा है, तो आप पहले से ही क्रैक कर दीजिए उसमें, और फिर उसको पहले इक्विपमेंट को सही रीडिंग के लिए बनाइए। जैसे थर्मोमीटर आपका सही